नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू असम फूड फॉरेस्ट चैनल। मैं राहिल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस नई वीडियो पे। आम में जो फ्लावर है वो ब्लूम होना शुरू हो गए हैं। ये वाला जो मैंगो है ये मियाज़ाकी मैंगो है। ये 3 साल का पौधा है और फर्स्ट टाइम इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। आम में स्पेशली आम में फ्लावर आने से पहले मार्च में या फरवरी के एंड में क्या हम दें कि इसके फल टूटे ना, इसमें फल झड़ने की समस्या, फ्लावर के झड़ने की समस्या ना हो, इसके लिए हमें कौन से छिड़काव करना चाहिए, इसी के बारे में आज की ये वीडियो है। तो हम काफ़ी बार देखते हैं कि फ्लावर्स तो बहुत आते हैं आम में और उनके जो फ्लावर्स है वो काले होके गिर जाते हैं, काले होके झड़ जाते हैं। तो ये 2 समस्याओं से होती है। एक तो फंगस की समस्या, क्योंकि रात को अगर कोहरा रहता है फ्लावरिंग के टाइम पे कोहर, उसके वजह से भी ये झड़ते हैं। और दूसरी वजह ये है कि इसमें जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो भी इसे खाते हैं, हॉपर्स जो होते हैं, हॉपर हॉप करने वाले कीड़े, तो वो इन्हें खाते हैं क्योंकि ये नरम बनी होती हैं फ्लावर्स, बहुत नरम और नाजुक होती हैं, रस से भरी होती हैं, तो वो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो दोस्तों, इस वक्त जब पंखुड़ियाँ इस तरीके से खुली ना हो और उससे पहले ऐसे स्टेज पे आप कीटनाशक दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ कीटों की समस्या है तो अगर आप कीटनाशक देना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक कीटनाशक भी काफ़ी होते हैं। नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं आप, 5 ml प्रति लीटर पे दे के छिड़काव कर सकते हैं। तो आज मैं इस पे जो 2 चीज़ें देने वाली हूँ वो एक है फंगस की समस्या के कारण, ताकि इसमें काले होके फूल ना झड़ जाएं उसके लिए, और दूसरी चीज़ इसमें जो फूल अभी बन रहे हैं वो ताकि फ्रूट्स में ज़्यादा से ज़्यादा तब्दील हो, इसके फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा फूल से फल में बदलें और इसमें फल गिरने की समस्या ना आवे और फूलों से ये ज़्यादा से ज़्यादा फल बने, इसके लिए मैं इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है NAA का स्प्रे, यानी नेप्थिलिन एसेटिक एसिड का स्प्रे करने वाली हूँ। तो वो अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियाँ इसको बेचती है। तो बायर का जो प्लानोफिक्स है, तो प्लानोफिक्स को आज हम इसमें यूज़ करेंगे। दोस्तों, मार्च के महीने में ये स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। फरवरी एंड और मार्च की शुरुआत में आम में जो फ्लावर आनी शुरू हो जाती है उस समय ये देना बहुत ज़रूरी है। ये सल्फर है 80%, और ये हम देंगे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके। ये देखिए, ये पैकेट से निकाला हुआ है, ये सल्फर है। तो जो हम ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह के लिए देते हैं या फिर हम सिट्रस के लिए देते हैं वो कॉपर बेस फंजिसाइड होता है, और ये जो सल्फर बेस फंजिसाइड है इसके काम अलग हैं। तो ये जो ये एक फंजिसाइड का भी काम करता है और इसी के साथ ये इंसेक्टिसाइड का भी, इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह भी काम करता है, जो माइट्स को भी रोकता है। माइट्स मकड़ी नुमा होता है, वो इंसेक्ट है जो फूलों में आता है, नई पत्तियों और फूलों के रस को चूसता है। तो ये जो है सल्फर है, इसको हम 2 ग्राम लेंगे। ये हमने 15 लीटर इसमें पानी लिया है। और ये जो दूसरी चीज़ है मैं बताना चाहती हूँ आपको, इसका नाम प्लानोफिक्स है, ये बायर कंपनी का है। हम क्यों डाल रहे हैं इसमें प्लानोफिक्स, से क्या होता है कि आपके जो फूल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फलों में कन्वर्ट होने में उनको मदद मिलती है। ये इसका जो कंपोजिशन है, इसमें एक हार्मोन है जिसका नाम है NAA, नेप्थिलिन एसेटिक एसिड। तो नेप्थिलिन एसेटिक एसिड प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब नई पत्तियाँ आती हैं, नए फ्लावर्स फ्लावर बनते हैं, बर्ड्स बनते हैं, उस समय ये देना बहुत आवश्यक होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा
फ्लावर्स फ्रूट में आसानी से तब्दील हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से ये हार्मोन मिलता है। तो ये प्लानोफिक्स हम डालेंगे, प्रोडक्ट है, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो जेनेरिक नेम है वो NAA यानी नेप्थलिन एसेटिक एसिड है। ये एक प्लांट हार्मोन है और ये एक फंजिसाइड है जो सल्फर बेस्ड है। तो ये दो चीज़ें हम मिलाएंगे 15 लीटर पानी में। तो प्लानोफिक्स कितना देना है दोस्तों? बहुत कम देना है, 4.5 लीटर पानी में 1 ml। तो अभी हमने 15 लीटर लिया है तो हमें कितना देना पड़ेगा? 3 ml। तो हम इसे 3 ml देंगे 15 लीटर पानी में। और ये जो सल्फर है हम इसे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें 15 लीटर के ड्रम में डालेंगे। तो हम ये 30 ग्राम लेंगे। देखिए हमने अभी इसमें 3 ml, बहुत कम होता है देखिए दोस्तों, 3 ml। और जितना बोला गया है उतना ही देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जो दवाई होती है वो भी ज़्यादा देने से ख़राब होती है। तो 3 ml हम 15 लीटर में मिला रहे हैं। तो ये हमने NAA नेप्थलिन एसिटिक एसिड डाल दिया है। अब हम डालेंगे 30 ग्राम सल्फर। तो अभी हम इसमें 30 ग्राम सल्फर डालेंगे, सॉल्युबल वेटेबल सल्फर है। तो अभी हमने ले लिया 30 ग्राम सल्फर और 3 ml हमारा नेप्थलिन एसेटिक एसिड। अभी हम इसे पानी मिला के अच्छे से घोलेंगे और जितने भी आम के पौधे उनमें ये मिक्सचर ये घोल देंगे। तो ये हमारा आम्रपाली आम है, इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग आई हुई है इस बार। आपको दवाई देते समय पूरी तरह से ड्रेंच कर देना है पौधे को। इस तरह आप आम के पौधों में इस स्प्रे को कर सकते हैं मार्च के महीने में। तो दोस्तों इसको करने की जो विधि है, स्प्रे को करने की जो विधि है दोस्तों, वो तो आपने देख लिया किस तरीके से उसको घोलना है, कितना प्रोपोर्शन देना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको या तो सूरज ढलने के साथ ये काम करना है या फिर अर्ली मॉर्निंग जब 4-5 बज रहे हों तब आप ये छिड़काव करें ताकि कम से कम ये इवेपोरेट हो। स्पेशली इवनिंग में, लेट इवनिंग में देना ज़्यादा अच्छा है ताकि ये पूरी रात इसको एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से, क्योंकि सूरज की रोशनी जितने जल्दी पड़ेगी उसमें इवेपोरेशन हो जाएगा।